खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और अब एक अगली अहम खबर का रुख करते हैं जो सीधा किसानों से जुड़ी हुई है। राजस्थान में एक किसान ने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या से पहले गहलोत सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी की कांग्रेस ने इस बार का लोकसभा चुनाव किसानों के मुद्दे पर लड़ा था। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कर्ज माफी का ढिंढोरा देश भर में पीटा करते थे, लेकिन राजस्थान के एक किसान ने आत्महत्या कर ली तो सरकार के दावे पर सवाल खड़े होने लगे। श्री गंगानगर जिले में रहने वाले किसान सोहन लाल ने आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट भी लिखा। मेरी मौत के जिम्मेदार अशोक गहलोत और सचिन पायलट हैं। 10 दिन में कर्ज माफ करने का वादा किया था, वादे का क्या हुआ? मेरी मौत का मुकदमा अशोक गहलोत पर ठोक देना, मेरी लाश तब तक न उठाना जब तक किसानों का कर्ज माफ न हो, सरकार को झुकाने का वक्त आ गया है। 45 साल के सोहन लाल रायसिंह नगर के ठाकरी गांव के रहने वाले थे। उन्होंने घर में ही जहरीला पदार्थ खा लिया और अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। अब एक किसान ने आत्महत्या करते हुए सरकार को दोषी बताया है तो जाहिर तौर पर गहलोत सरकार को विपक्ष के हमले के लिए तैयार रहना चाहिए।